कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप उसके डेल्टा स्वरूप से तेजी से आगे निकल रहा है और पूरी दुनिया में स्वरूप से संक्रमण के मामले अब ज्यादा सामने आने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वरिष्ठ अधिकारी ने इस संबंध में आगाह किया। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी के अधिकारी ने चेताया कि इस बात के साक्ष्य बढ़ रहे हैं कि ओमिक्रॉन प्रतिरक्षा शक्ति से बच निकल सकता है, लेकिन अन्य स्वरूपों की तुलना में इससे बीमारी की गंभीरता कम है। संक्रमण के मामले में डेल्टा से आगे निकल रहा ओमिक्रॉन वेरिएंट। WHO के संक्रामक रोगी महामारी विज्ञानी एवं COVID-19 टेक्निकल लीड मारिया वॉन केरखोव ने कहा कि कुछ देशों में ओमिक्रॉन को डेल्टा पर हावी होने में समय लग सकता है, क्योंकि ये उन देशों में डेल्टा स्वरूप के प्रसार के स्तर पर निर्भर करेगा। केरखोव ने ऑनलाइन प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान कहा, ओमिक्रॉन उन सभी देशों में मिला है जहां जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक अच्छी है और यहां दुनिया के सभी देशों में मौजूद है। ये फैलने के लिहाज से बहुत तेजी से डेल्टा से आगे निकल रहा है और इसलिए ओमिक्रॉन हावी होने वाला स्वरूप बन रहा है जिसके मामले सामने आ रहे हैं। ओमिक्रॉन कोई हल्की बीमारी नहीं। उन्होंने इस बारे में आगाह किया कि डेल्टा स्वरूप की तुलना में भले ही ओमिक्रॉन से बीमारी के कम गंभीर होने को लेकर कुछ जानकारियां दी गई हैं, लेकिन ये हल्की बीमारी नहीं है, क्योंकि ओमिक्रॉन के चलते भी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ रही है। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।